हेलो क्लास सर, सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में देखिए आपका अध्याय 9, ठीक है, आपका रिवीजन है इसमें। अध्याय 9 क्रिया, ओके, इसको ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 इसको ओपन कर लीजिए। अध्याय 9 क्रिया, ओके, अध्याय का नाम है क्रिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने बुक्स ओपन कर ली होगी, तो चित्र देखेंगे आप। एक बार इसको फिर से पढ़ा देती हूँ, आपने पढ़ा है, ठीक है। आपको पहले चित्र देखना है। सुरभि खाना खाती है, ठीक है। मोर नाचता है। श्वेता प्रीति खेल रही हैं। और यहाँ पे देखिए पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। परी साइकिल चला रही है और दादाजी कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया था इसमें, सुरभि खाना खाती है नाचती है, नाचता है, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चला रही हैं, सुना रहे हैं, ये सब क्या है बच्चों, क्रिया है। क्या है? क्रिया है, ठीक है ना। इससे पता चल रहा है वो कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं, है ना। आप देख रहे हैं वो सुरभि खा रही है, तो खाना एक क्या है, काम है, क्रिया है, ठीक है ना। कुछ ना कुछ क्रिया इसमें हो रही है, आप जिसमें भी देख रहे हैं इनमें क्रिया हो रही है। कोई कहानी सुना रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है। तो ये क्रिया शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। जिनसे ये पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं उसे क्रिया शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। क्रिया की परिभाषा है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्रिया लगने के बाद इन वाक्यों को देखिए। यहाँ पे देखिए कुछ क्रिया का महत्व, क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं। क्रिया के बिना क्या होते हैं, वाक्य अधूरे होते हैं, ठीक है। किसी भी भाषा में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता। वाक्य में क्या होना चाहिए, क्रिया का लगना जरूरी होता है, अन्यथा वो क्या होते हैं, वाक्य अधूरे रह जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए, पिताजी ने दुकान से खिलौने क्या किया, क्रिया तो लगी नहीं है तो ये कंप्लीट नहीं है। राधिका ने सुंदर गीत क्या किया, उसने सुंदर गीत खरीदा, गाया, पाया। अध्यापिका कहानी, तो अध्यापिका कहानी को क्या कर रही है, मैंने फल, तुमने फल खाया, फेंका, क्या किया है उसका कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये सब जो वाक्य बने हैं ये क्या है, पूरे नहीं हैं। तो आप देख रहे हैं क्रिया के बिना वाक्य अधूरे रह जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पिताजी ने दुकान से खिलौने खरीदे, अब क्रिया लगी, तो ये वाक्य कितना सुंदर लग रहा है। अध्यापिका कहानी सुना रही है और राधिका ने सुंदर गीत गाए और मैंने फल खाए, ठीक है। तो ये वाक्य देखो, अब उनमें क्या लग गई है, क्रिया लग गई है, तो वो पढ़ने में और सुनने में भी क्या लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि क्रिया के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए वाक्य में क्रिया का होना क्या होता है, आवश्यक होता है, ठीक है ना। आप भी इसी तरीके से वाक्य कभी बना के देखिएगा तो आप देखेंगे, अगर आप उसमें क्रिया नहीं लगाएंगे तो वो वाक्य आपका क्या हो रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। अब देखिए कुछ क्या होती है, क्रियाएं अपने आप होती हैं, अपने आप होने वाली क्रियाएं देखिए, जैसे बादल गरजते हैं, नदी बहती है, तारे टिमटिमाते हैं। आपने देखा बादल अपनी मर्जी से क्या करते हैं, गरजते हैं, नदी अपनी मर्जी से बह रही है, तारे टिमटिमाते हैं, सूरज छिपता है, उगता है, हवा चलती है, फूल खिलते हैं। तो ये क्रियाएं क्या हो रही हैं बच्चों, खुद से हो रही हैं। की जाने वाली क्रियाएं देखिए, आप क्या कर रहे हैं, दूध
खाना खाना, नाचना, हंसना, रोना, ये सब क्रियाएं आपसे होती हैं। और देखिए यहाँ पे आज आपको क्या करना है, कुछ क्रियाएं बताई हैं, ठीक है, कुछ प्रमुख क्रिया शब्दों के उदाहरण। तो इन क्रियाओं को आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है ना बच्चों, इनको आज आपको लिखना है। खाना पीना, आना जाना, पढ़ना खेलना, ये सब क्या है, क्रियाएं दे रखी हैं, तो इन क्रियाओं को आज आपको कॉपी पे लिखना है। और साथ में देखिए यहाँ पे आओ दोहराएं, ये भी आप कॉपी में लिखेंगे। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किस के बिना वाक्य अधूरा है, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। क्रिया पर क्या होता है, लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। क्रिया दो प्रकार की होती है, अपने आप होने वाली क्रिया और की जाने वाली क्रिया, ठीक है ना। तो आपने इनको क्या करना है, आज अपनी कॉपी पे लिखना है, ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है। और क्रिया जो अध्याय है आपका, इसको आप अध्याय नौ, इसको आप पढ़ेंगे,